the new batter, Privy Shaw. Hi everyone, I'm Rahul Gill from Dive In Cricket YouTube channel and welcome back to another YouTube video. तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं पृथ्वी शॉ को देखने के लिए एंड पृथ्वी शॉ इस काउंटी सीजन का अपना पहला मैच खेल रहा है अगेंस्ट ग्लमोगन और पृथ्वी शॉ खेलता है काउंटी में फॉर नॉर्थहैम्पटनशायर काउंटी और हम जा रहे हैं सफाया गार्डन्स। तो अभी अगर बात करें पृथ्वी शॉ के बारे में तो पृथ्वी शॉ को आई गेस लास्ट सभी ने हाइप्ड अप हुआ देखा था जब उसने अपना इंडिया के लिए डेब्यू किया था टेस्ट मैचेस में और तब उसने एक 100 भी मारा था डेब्यू में और तब सब बोल रहे थे कि भाई यही इंडिया का फ्यूचर है, ही इज़ गोना बी द ओपनर और यही हमेशा ओपन करेगा इंडिया के लिए। लेकिन अगर तुम आज की डेट में देखो तो पृथ्वी शॉ के बारे में कोई हाइप नहीं है। आई मीन नो वन इज़ इवन टॉकिंग अबाउट कि वो इंडियन टीम में कमबैक करेगा या नहीं। तो ऑनेस्टली क्योंकि जायसवाल और रोहित और सॉरी शुभमन गिल ने कम्प्लीटली जगह ले ली है एंड ऐसा लगता है कि कोई चांस ही नहीं है कि पृथ्वी शॉ कमबैक करेगा इंडियन टीम में और कोई बात भी नहीं करता ऑनेस्टली अब उस बारे में। एंड उसका परफॉर्मेंस भी कुछ खास ठीक है नहीं पृथ्वी शॉ का। इफ़ यू लुक IPL में परफॉर्म नहीं कर रहा, आई एम नॉट श्योर अबाउट रणजी बट IPL में तो 110% वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। इवन इफ़ यू लुक एट स्टैट्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स, नॉट क्रिटिसाइजिंग बट जस्ट saying that if he's not getting the chances, there's a reason for it. Hoping कि आज के मैच में जो हम जाने वाले हैं जो व्लॉग बना रहे हैं उसमें वो अच्छा खेले and we get a good vlog and I'll see you guys in the Cardiff. तो हाय एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं सफाया गार्डन्स कार्डिफ में और ये ग्राउंड मैं तुम्हें पहले भी लेके आ चुका हूं इफ़ यू रिमेम्बर, क्योंकि यहां पर हमने चितेश्वर पुजारा वाला व्लॉग बनाया था। तो अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। मेरी ट्राई यही रहती है कि मैं तुम लोगों को बार बार सेम ग्राउंड्स में ना लेके जाऊँ, बट सीन क्या होता है ना कि मैचेस इस तरह से शेड्यूल होते हैं दैट वी हैव टू कम इन वन ग्राउंड अगेन एंड अगेन। बट ठीक है, यू नो द ड्रिल, टिकट स्कैन कराएंगे और मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरे साइड में। सो हियर वी आर, एवरीथिंग इज डन, टिकट इज स्कैंड एंड इफ यू सी द वेदर इज ऑल्सो गुड, द सन इज आउट, 26 डिग्रीज है, आई मीन काफ़ी डिसेंट वेदर है। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या माहौल है। एंड एज यू कैन सी द क्लाउड, देयर आर फ्यू क्लाउड्स बट द सन इज आउट, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो चलते हैं अपनी सीट की तरफ और ऑनेस्टली थोड़ा गर्मी तो है, आई मीन यूके के स्टैंडर्ड्स से, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली टेम्परेचर रहता है 10 degrees to 15, तो जब स्ट्रेट अवे 26 होगा तो गर्मी तो लगेगा। और मेरा मन था कि मैं वो शेड के नीचे बैठूं क्योंकि वहाँ पर शेड है, लेकिन वहाँ से व्यू अच्छा नहीं मिलता, सो आई हैव टू सिट आउट इन द सन इटसेल्फ क्योंकि वहाँ से फिर वीडियो अच्छी बनेगी। सो लेट्स जस्ट गो राइट एट द एंड और मैं वहाँ पर जाके बैठता हूँ एंड फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ कि व्यू कैसा है। एंड टॉकिंग अबाउट पृथ्वी शॉ, होप अच्छा खेले, अभी तो उसकी बैटिंग नहीं आई है, अभी इट्स गोना टेक सम टाइम, सो लेट्स जस्ट सिट एंड देन वी टॉक अबाउट इट। देयर वी गो, ये रहने वाला है अपना व्यू एंड होप कि अभी पृथ्वी शॉ की बैटिंग जल्दी आए और मैं तुम लोग को दिखा पाऊँ।
एंड ऑलमोस्ट आफ्टर वेटिंग फॉर 2 आवर्स, एक सेशन पूरा देखने के बाद फाइनली एक विकेट गिरा एंड हियर कम्स पृथ्वी शॉ। सो पृथ्वी शॉ का ये जो इनिंग है दैट इज सेकेंड इनिंग ऑफ द गेम। पहली इनिंग्स में वो ऑलरेडी एक बार आउट हो चुका है जिसमें सिर्फ उसने 2 रन बनाए थे एंड इट्स हिज फर्स्ट गेम आई गेस इस सीजन का। एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसको जिम्बाब्वे टूर के लिए भी पिक नहीं किया है। आई मीन अगर तुम लोगों को लगता है दैट इट इज़ अ लिटिल बिट अनफेयर ऑन हिम सो यू कैन कॉमेंट इट डाउन, बट आई थिंक जिम्बाब्वे में तो ले सकते थे यार, जिम्बाब्वे सीरीज में इसको लेके जा सकते थे, बट इट्स फाइन। ओके लेट्स कट टू द फर्स्ट बॉल, विकेट थोड़ा ग्रीन है, लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके फर्स्ट बॉल पे ही मुझे लगा कि मेरे पैसे लगाकर यहाँ पर आना और ये वीडियो बनाना इज ऑल गोइंग डाउन द ड्रेन पहला बॉल देख के, बट सेकेंड बॉल ऑनेस्टली ही प्लेड दिस ब्यूटिफुल शॉट, तो जिसे देख के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया कि नहीं नहीं ही विल बैट फॉर अ लिटल लॉन्गर। लेकिन पहला बॉल आई गेस वो उसके पैड्स पे ही ट्राई कर रहे हैं मारने का, इफ़ यू सी तो लाइन वही है, एज यू कैन सी वो उसको LBW ही करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी अच्छे फ्लिक्स मार रहा है, एज लॉन्ग एज वो डिफेंसिव मोड में नहीं जाता इट्स गुड। एज यू कैन सी एक और शॉट, फिर लेग्स पे बॉल ड्रिफ्ट हुआ एंड ही अगेन स्मैश्ड इट फॉर 4। तो आई गेस बोलिंग टीम का प्लान सिंपल है कि बोल हिम ऑन द लेग्स और फिर वहाँ से लेट्स सी हाउ इट गोज। और फिर कुछ ओवर्स के बाद आई गेस उसने सिंगल लिया था, मतलब वो एक ही एंड पे बैटिंग कर रहा था, फिर इस एंड पे आया एंड यू विल सी द फर्स्ट बॉल, तो एकदम स्क्वेयर्ड अप हो गया। सो मे बी हिज फीट मूवमेंट इज़ नॉट राइट, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ तो है लग रहा है जो विच इज़ नॉट राइट। बट वो दो ही मोड्स में खेल रहा था, इधर ही वॉज गेटिंग बीटन और नहीं तो वो ऐसे मार रहा था। एंड दिस बॉल आई थॉट इट वेंट फॉर अ 6, बट ये सिर्फ चौका हुआ इस बॉल पे अगर तुम देखो। तो पृथ्वी शॉ सिर्फ दो ही मोड्स में अभी तक तो खेल रहा है, चाहे तो वो बीट हो रहा है चाहे तो वो रन बना रहा है। और फिर दूसरे एंड से स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हुए, लेट्स सी द फर्स्ट वन, और दैट्स अ नाइस कवर ड्राइव, बट ये सिर्फ यहाँ पर 2 रन मिले, गैप में था बट इस साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी है, सो इट्स ओके इवन टू गेट अ कपल। एंड एज यू कैन सी बॉलर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था भाई। और नेक्स्ट बॉल पे पृथ्वी ने ओवर कवर्स उड़ाया एंड इट वेंट फॉर 1 बाउंस और 2 बाउंस 4 आई गेस, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट। आई मीन काउंटर अटैक कर रहा है, एज आई टोल्ड यू दो ही मोड्स हैं, इधर गेट बीटन अप नहीं तो मारो। और ये शॉट जो था ये मेरा पर्सनल फेवरेट था पूरी इनिंग्स का। आई मीन ये चौका तो नहीं हुआ पर ऑनेस्टली उसका फीट मूवमेंट उसका बैलेंस बहुत ही बढ़िया था, और ये आउटफील्ड अ लिटिल स्लोअर साइड था इस एंड पे, बट ही मैनेज टू गेट 3 रन्स। और फिर जब पेसर्स वापस आए मीडियम पेसर्स, तो तुम लोग देखो ये बॉल पे क्या हुआ, ही गॉट बीटन अप एंड ही वॉज लाइक हाफ हार्टेडली खेला उसने वो शॉट, और फिर 2-3 ओवर्स के बाद ये हुआ, एज्ड इट एंड पीछे विकेट कीपर ने कैच पकड़ा, बट फॉर सम रीज़न ही वॉज स्टैंडिंग आउट देयर और फॉर फ्यू मिनट्स तो मेरे को लगा कि यार ये हो क्या रहा है, इट वॉज कन्फ्यूजिंग क्योंकि एज तो था दैट वॉज फॉर श्योर, तुम लोगों ने भी आवाज़ सुनी होगी कि एज तो था, बट ही स्टूड देयर, मे बी अंपायर्स कैच चेक करना चाह रहे थे, बट देन आई थॉट कि यार इस गेम में तो टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है ये गेम्स में, बट देन या अम्पायर ने दूसरे अम्पायर से डिस्कस किया, बट ऑनेस्टली दैट वॉज आई मीन उसका कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वो अम्पायर को क्या ही दिखेगा वो इतनी दूर से। एंड आफ्टर अ गुड डिस्कशन ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 30-40 सेकेंड्स विच वॉज लाइक मुझे पता था कि आउट ही देंगे क्योंकि यहाँ पर नॉट आउट तो दे नहीं सकते, एंड दैट्स व्हाट दे डिड, उन्होंने आउट दे दिया क्योंकि उनके पास भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस तो है नहीं कि भाई बॉल डिप कर रहा है या कुछ हुआ है, सो दे इवेंचुअली गेव हिम आउट एंड ही गॉट आउट ऑन 23। सो ही प्लेड अग्रेसिवली, अच्छी बैटिंग कर रहा था बट कुछ हाफ हार्टेड शॉट्स की वजह से आई गेस आउट हो गया, बट इट्स फाइन। मैं मिलता हूँ तुम्हें इनिंग्स के लास्ट में, देन वी डिस्कस हिज बैटिंग। सो हाय एवरीवन, तो अभी हम लोग हैं सफाया गार्डन कार्डिफ में
और जैसे मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग बोला था कि हम वीडियो बनाने आए हैं अबाउट पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने स्टार्ट बढ़िया दिया था, आई मीन आते ही अच्छी बाउंड्रीज मारी, 4-5 चौके मारे एंड ही स्कोर्ड क्विक 20 रन्स, बट फिर आउटसाइड एज और आउट हो गया। आई एम नॉट श्योर कि वो कैच लीगल था या नहीं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और इन गेम्स में कोई खास टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास नहीं होती कि तुम लोग चेक कर सको अलग अलग एंगल से कि बॉल कैरी हुआ था या नहीं हुआ था। बट ऑल इन ऑल इट वॉज एन ओके व्लॉग। मेरे को डर ये लग रहा था कि कहीं ज़्यादा जल्दी ना आउट हो जाए, लाइक आई मीन सिर्फ 3-4 रन पे ही ना आउट हो जाए, बट एटलीस्ट ही स्कोर 23 रन्स जो कि बढ़िया था। एंड अभी गर्मी बहुत है, इट्स ऑलमोस्ट 26 डिग्रीज। आई नो थोड़ा वियर्ड साउंड करेगा फॉर लाइक इंडिया में जो लोग हैं उनको लगेगा कि 26 डिग्रीज तो कुछ होता नहीं है, बट क्या है ना कि यहाँ पर ठंड इतनी रहती है तो थोड़ी सी भी गर्मी होती है ना तो बहुत ज़्यादा लगती है। आई नो इसमें कुछ खास सेंस नहीं है, बट या बाकी देर विल बी अ लॉट ऑफ वीडियोज़ कमिंग एंड आई होप तुम लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो एंड आई प्रॉबली सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हम ट्राई करेंगे कि 100 लीग जो है उसको भी कवर करें। एंड इफ यू मेड इट टिल हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।